खुदावंद के प्यारे नाम में मैं आप तमाम बहन भाइयों को आज एक दफ़ा फिर से आपके प्रोग्राम बेदारी में खुश आमदीद कहता हूँ खुदांद जो भला है शफीक है रहीम है मुहिब है कादर है कुदरत से जलाल से मामूर है हर तरह की तसली हर तरह का इतमान उसमें पाया जाता है आज उसी के प्यारे नाम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और एक बड़ी ही ख़ास बात के साथ मैं आज के दिन आया हूँ लॉकडाउन के अंदर इस कोरोना वायरस और सारे वबा पेंडमिक के अंदर हमने बहुत सारे नए नए लफ्ज़ सीखे हैं बहुत नए नए लफ्स सुने हैं उनमें से एक लफ्ज़ सोशल डिस्टेंसिंग है जिसे उर्दू ज़ुबान में समाजी फ़ासला कहा जाता है कहा जाता है जी एक दूसरे से दूर रहें ताकि आप इस वबा से बचे रहें और मैं आज जब दुनिया में देखता हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ और किसी का एक अपना नज़रिया है देखने का तर्ज है गौर करने का समझने का ऑब्ज़र्वेशन का आ, तरीका अलग अलग है ऑब्ज़र्व करना भी फ़र्क फ़र्क है तो मैं जब दुनिया में देखता हूँ कई सारी चीज़ें तो हैं मिसाल के तौर पर आज दुनिया में इस वबा के अलावा और कई सारी बीमारियाँ और कई सारी बीमारियों में एक बीमारी मुखालफत भी है एक बीमारी बुग्स भी है एक बीमारी जलन भी है एक बीमारी इंसानी जलसी है एक बीमारी का नाम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना भी है और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आज समाजी तौर पर लोगों को और जिंदगियों को तबाह कर रही हैं एक दूसरे को खाता हुआ हम देख नहीं सकते एक दूसरे को हम अच्छा पहनता हुआ देख नहीं सकते और जो गरीब है जिसके पास पहनने को नहीं या खाने को नहीं हम उसे भी दर हकीकत नहीं देख सकते हमें उससे भी प्रॉब्लम है जो नहीं खाता हम कहते हैं किसी काम का नहीं है और हमें उससे भी प्रॉब्लम है जो खाता है और फिर जो बड़ी बात है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग तक तो बात ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग ने हमारा क्या कर लेना है अगर मैं घर पर भी बैठा हुआ हूँ मैं किसी को फ़ोन करके हाल हवाल पूछ लूँ कि भाई क्या हो रहा है ठीक हो तबीयत तो खराब नहीं है घर पे सब कैसे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं इन इन लॉकडाउन के सीज़न में क्या कर रहे हो और जैसा कि माली एतबार से बहुत सारे लोगों पर बड़े बुरान के तूफान टूटे हुए हैं पहाड़ टूटे हुए हैं किसी को फ़ोन करके इतना पूछ ही लेना कि भाई आज तेरी तबीयत कैसी है घर पर तूने अच्छा खाया या नहीं खाया किसी को इतना पूछ लेना ही शायद अगले शख्स के लिए एक बड़ी दलेरी हौसला अफज़ाई और बरकत की बात बन सकती है बात सोशल डिस्टेंसिंग की है कि एक दूसरे से बदनी तौर पर जिस्मानी तौर पर फासला रखें ताकि आप को अगरचे खुदा न खास्ता खुदा रा अगरचे आपको किसी वबा ने असरअाज कर दिया है तो अब आप के जरिया किसी और शख्स को ये वबा ना लगे या अगरचे उस शख्स को है तो उसके सबब से आप को ना लगे उसकी वजह से आपको ना लगे ये सोशल डिस्टेंसिंग है इससे ख़तरनाक और जो नहीं होना चाहिए वो हार्ट डिस्टेंसेस हैं आपके दिल की दूरी है एक दूसरे से आप कभी भी फ़ोन नहीं करेंगे आप कभी भी एक दूसरे का हाल अहवाल नहीं पूछेंगे आप कभी भी एक दूसरे की खैर आफियत मालूम नहीं करेंगे अगरचे आपके दिल एक दूसरे से दूर है खतरे का आलम व बाएँ नहीं रही कभी भी मैं आपको सच बताऊं, खतरे का आलम इंसानी रवैये हैं खतरे का आलम इंसानी तर्ज ज़िंदगी है एक दूसरे से मेल जोल के तरीक़ेकार हैं ये खतरनाक बातें हैं जब हमारे दिल एक दूसरे से दूर हो जाएं हम सिर्फ बदनी हालत में एक दूसरे से दूर ना हों बल्कि हमारे दिल भी एक दूसरे से दूर हों हमारी हमारा जहन एक दूसरे से दूर हो जाए और मैं आपको सच बताता हूँ कि जो हमारा दुश्मन अबलीस है उसका एक बहुत बड़ा काम एजेंडा मंसूबा या उसकी साजिशों में से एक अहम तरीन साजिश भाइयों में फूट और अदावत डालना है भाइयों में खाली मुराद मर्द हजरात नहीं हैं बल्कि वो तमाम जो मसीह बदन का हिस्सा हैं वो उनके दिलों में एक दूसरे के लिए खला पैदा करना चाहता है डिस्टेंसिस को पैदा करना चाहता है एक दूसरे के लिए जालसी और हसद को पैदा करता है ताकि सिर्फ ये सोशली डिस्टेंट ना हों बल्कि इनके दिल भी डिस्टेंट हो जाएं इनके दिल भी एक दूसरे से दूर रहें और ये किसी काम के ना रहें हाँ जी जब हमारे दिल एक दूसरे से दूर होते हैं तो हम किसी काम के नहीं रहते मां इसके कि तू बहुत है तो वो कहे कि तू बहुत पैरा है मैं एक हवाला खुदा के कलाम में से आपको देता हूँ इसे मेरे साथ ज़रूर पढ़िएगा सुनिएगा और आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बात करेंगे पहला यहोना नए अहदनामा याहद जदीद में से यहोना का पहला आम खत और उसका तीसरा बाब और उसकी सोलहवीं सत्तरवीं और आठवीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे लिखा है हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज़ है क्या है सुन तो लिया आपने जी फर्ज है फिर कहते हैं जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देख कर रहम करने में दरेक करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है ए बच्चों हम कलाम और ज़ुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत करें और आप कह सकते हैं आमीन जी हाँ दो बातें हैं जो बड़ी ख़ास हैं उनमें से पहली बात तो यह है कि हम खाली मुँह जुबानी एक दूसरे से मोहब्बत ना करें जिसको मैं सोशल डिस्टेंस भी कह रहा हूँ सोशल डिस्टेंस अपने घर में आप और मैं अपने घर में आप अपनी मुकामे जा पर आप अपनी जगह पर और मैं अपने मकाम पर ये सोशल डिस्टेंस है और मैंने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं है हाँ ये बात सच है कि जो फिज़िकल टच है एक दूसरे को हाथ मिलाना एक दूसरे के गले लगना एक दूसरे का भूसा लेना इसका रदो बदल या इसका इसकी जगह कोई और चीज़ ने ले नहीं सकती क्योंकि जब इंसानी बदन दूसरे इंसानी बदन को छूता है एक दूसरे के लिए फिक्रमंदी मोहब्बत और एहसास का एक्सपीरियंस होता है लेकिन उसके साथ साथ एक जो और संजीदा और ख़ास बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो दिलों की दूरियाँ हैं दिलों में एक दूसरे के लिए गलत बातें रखना है एक दूसरे के लिए गलत ख्याल रखना है और कई दफ़ा हम भाइयों के दरमियान जब तीस तीसरे अशखास आ जाते हैं कई दफ़ा हम भाइयों के दरम्यान जब तीसरे ख्याल तीसरी सोच रखने वाले अशखास आ जाते हैं तो लड़ाई तफरके और और एक दूसरे के लिए नफ़रत को पैदा करते हैं ये सच बात है माने या ना माने ये आपकी मर्जी है लेकिन मैं जानता हूँ कि आप में से कई सारों ने इसका तजर्बा भी किया होगा आप मियाँ बीवी ही क्यों ना हो अगरचे मियां और बीवी के दरमियान कोई तीसरा शख्स आ जाए तो वो उन दोनों के बीच में फूट डाल देता है जब आप एक दूसरे से डिस्टेंट हो, पहले से ही दिलों में दूरियां हो, और जालिम जुल्म ये कर दे कि और तीर चलाए और नुकसान पहुंचाए, और गलत मनफी बातें हमारे अंदर एक दूसरे के लिए पोर करे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अबलीस कभी भी सींग लगा कर नहीं आता अबलीस कभी भी लाल जुबान और सींग और काली आंखों के साथ आपके पास नहीं आता कि आप उसे दूर से पहचान ले ये अबलीस है वो निकम्मा और नकारा इस कदर चलाक है कि वो नुरानी फरिश्ते की शक्ल में आपके पास आएगा वो आपको दिखाएगा आई लव यू सो मच मैं तेरा वेल well विशर हूं मैं तुझसे प्यार करने वाला हूं मैं तो तेरी फिक्र इतनी करता हूं जितनी तेरा अपना भाई भी तेरी ना करता हो मैं तुझसे इतना ज्यादा प्यार करता हूं देख मैं तेरे लिए दस औरों को छोड़ के आ गया हूं मैं तुझसे प्यार करता हूं देख तेरा भाई तेरे तुझसे प्यार नहीं करता आज वो तेरे साथ नहीं खड़ा हुआ आज उसने तेरे लिए ये नहीं किया आज तू दिस इज डिमोनिक ये अबलीसी अशखास अबलीसी तराकीब और अबलीसी ज़ात के साथ आपके पास आते हैं ताकि आपको बहकाए और आप में फूट और अदावत को डालें और कलाम मुकदस क्या कहता है खुदा का कलाम कहता है मसीह की तरफ देखो यस्सु मसीह की तरफ निगाहें लगाओ कि उसने किस तरह से अपना आप भाइयों के लिए पेश किया अपनों के लिए पेश किया सोशल डिस्टेंसेस वैल्यूएबल नहीं हैं वैल्यूएबल तो अगरचे दिल में दरारें एक दूसरे के लिए पड़ जाएं, तो ज़रा ध्यान लगाना ज़रूरी है कि क्या किस तरह से हम एक दूसरे के दिल के करीब आ जाएं? मसीह के बारे में लिखा है कि उसने अपनी मोहब्बत हम पर यूं ज़ाहिर की कि अपना आप भाइयों के लिए पेश कर दिया ही प्रजेंटेड हिमसेल्फ कोड़ों की मार को याद करें ज़रा कांटों के ताज को याद करें ज़रा हाथों और पैरों पर कील को याद करें लोगों की लोगों के ठेे उसके लिए नाहक जो थे उन्हें याद करें ज़रा याद करें कि आप और मेरे लिए उसने क्या क्या कहाँ कहाँ कहा बर्दाश्त किया घसीटा गया अदालतों में महलों के अंदर उसका मजगला बनाया गया लोगों के सामने उसकी जात मुबारक को आ, पाश पाश किया गया और पता नहीं क्या कुछ उसने बर्दाश्त किया भाइयों की खातर अपना आप पेश कर दिया और कलाम मुकदस कह रहा है इसे बड़े देहान से सुनना है आपने कान लगा कर बड़े गौर के साथ कलाम मुकदस कहता है ए भाइयों एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है खाली हमारे एक दूसरे को बटरिंग नहीं है एक दूसरे की फिक्र करना हमारे लिए महज अपने रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करना ही ना हो जो हम अक्सर बात करते हैं कि रिलेशन तो फिर ऐसे ही होते हैं ना कि आप मेरे लिए कुछ करें और मैं आपके लिए कुछ करूं कलाम मुकदस का तर्ज क्या है ये सुने बाइबल मुकदस कहती है कि तू अपने भाई से मोहब्बत कर जिस तरह मसीह ने हमसे मोहब्बत की कि अपना आप हमारे लिए मौत के हवाला कर दिया स्लीपी मौत के हवाला कर दिया गुना को उठा लेने के लिए अपना आप पेश कर दिया इसी तरह एक दूसरे का बोझ उठाओ एक दूसरे से ऐसी ही मोहब्बत रखो और कहता है ये तुम पर फर्ज है तुम पर फर्ज है और फिर सुन लें तुम पर फर्ज है तुम पर फर्ज है कि एक दूसरे से मसीह की मानंद मोहब्बत रखो फर्ज है और फर्ज बदला नहीं जाता फर्ज आज ये और कल ये नहीं हो जाता फर्ज हमेशा फर्ज ही रहता है वो कहता है ये तुम पे फर्ज है ये बदल नहीं सकता ये अटल है कि तुम भी एक दूसरे से ऐसे ही मोहब्बत करो जैसे कि मसीह खुदावन ने हमसे मोहब्बत की है ज़रा दहान लगाएं कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम दिलों में भी एक दूसरे से डिस्टेंट तो नहीं हो गए एक दूसरे से दूर तो नहीं हो गए एक दूसरे से अदावत तो नहीं रख बैठे तीसरी आवाज़ें कहीं हमारे कान में पड़ तो नहीं रही तीसरे अशखास की अबलीस की आवाज़ें हमारे कान में पढ़ तो नहीं रहीं और से पड़ रही हैं तो उस तीसरे को आपसे दूर होना बहुत जरूरी है और से वो ना होगा तो फिर प्रॉब्लम है फिर प्रॉब्लम ये है कि खुदावंत का तर्ज आपकी ज़िंदगी में खराब होता जाएगा मैं आपको बताता हूँ आगे क्या लिखा है मेरे साथ रहें आप बड़े अच्छे लोग हैं और खुदावंद आपसे प्यार करता है और मुझे पता है कि कलाम सुनने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं सो कहीं मत जाएं यहीं पर रहें एक ब्रेक लेकर मैं आपके पास वापस आता हूँ खुदावन के प्यारे लोगों ब्रेक पर जाने से पहले हम आ, दिलों की दूरियों और समाजी दूरियों के बारे में बात कर रहे थे मैंने कहा कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक इस, सारे तजब्जुप के दौरान इस दुनिया को कई सारे और लफ्ज़ मिले हैं सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन क्वारंटीन थे दुनिया के अंदर ये लफ्ज़ लेकिन हमने पहले कभी सुने नहीं थे ज़्यादा पता नहीं था लेकिन अब हकीकी हो गए हैं दुनिया की शक्ल ही बदल गई है दुनिया के हालात बदलने के साथ दुनिया की शक्ल ही बदल गई है जो लोग घरों पे बैठते नहीं थे अब वो घरों से निकल नहीं पा रहे और जो घरों से निकल रहे हैं उनको वबा अटैक कर रही है वबा उनके ऊपर आ रही है बीमार होते जा रहे हैं बीमारियाँ आए इतना कुछ दुनिया के अंदर है लेकिन मैंने कहा इन सारी दुनियावी बाहरी बाहरी यानी कि जो दुनिया में बीमारियाँ हैं इनसे से बढ़ के जो खतरनाक तरीन बीमारियाँ हैं वो तो हमारे यहाँ हैं और इन बीमारियों का निकलना हमारे अंदर से बहुत ज़रूरी है जब तक ये बीमारियाँ हमारे अंदर से नहीं निकलती तब तक कुछ भी ठीक नहीं होता तब तक हमारे अंदरूनी हालात नहीं बदलते हमारे जाहिर तो तभी मुसबत होगा ना जब हमारा ये मुसबत होगा यानी कि हमारा जी हमारा दिल हमारा बातन मस्बत होगा तो ही हमारे हालात वाकयात हमारे देखने का नज़रिया माहौल लोगों को जांचने परखने और उन्हें उनके ऊपर जजमेंट करने का नज़रिया भी ज़रा बदलेगा लेकिन तब होगा सब कुछ जब ये बदलेगा मैं बात कर रहा था हार्ट डिस्टेंसेस की बड़े नुकसान हैं जब हम एक दूसरे से गुफ्तु नहीं करते बात नहीं करते मैंने कई दफ़ा इन इन बातों का तजर्बा किया है जब हम एक दूसरे से बात ना करें तो कोई तीसरे लोग आके बीच में अपनी बातें सुनाना शुरू हो जाते हैं वो अपने ही ख्याल देना शुरू हो जाते हैं और हमारे जहनों के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए खलल पैदा हो जाता है एक दूसरे के लिए आ, बुरी बातें आना शुरू हो जाती हैं कि शायद ये मेरे खिलाफ है मेरा भाई मेरे खिलाफ है मेरी बहन मेरे खिलाफ है उसकी वजह ये होती है कि सोशल डिस्टेंस ये खाली अभी नहीं है कोरोना वायरस में इससे पहले भी लोग सोशली अपने आप को एक दूसरे से दूर रखते हैं यानी कि महीनों महीने गुजर जाते हैं हम एक दूसरे को फ़ोन करके भी नहीं पूछते बाजी आज तेरा की हाल है रोटी खा दिया कार बच्चे ठीक ने आज आजकार की पक्या है आज मैं सोच रहा था चाह पीने आ जाव ये बड़ी कीमती गलाजे ये बड़ी कीमती बातें हैं जो आज हम अपने माशरे में इवन कलिसियाओं में चर्चेज में अपने क्रिश्चियन जिंदगी के अंदर भी गवा चुके हैं बहुत बिजी हूँ टाइम नहीं है वक्त नहीं मिलता बाजी अब क्या करूँ चार महीने पहले आपने अपनी सखी बाजी को पूछा था बाजी तेरा क्या हाल है आपने अपने सके भाई को जो एक ही माँ के पेट से जना हुआ है उसको तीन महीने पहले पूछा था भाई तेरा क्या हाल है ये सेल फोन हमारे हाथ में है लोग एक दूसरे को फोन नहीं करते फेसबुक के ऊपर लगाते हैं आई लव माई फैमिली बट दे कि वो क्या कर रहे हैं वो कैसे हैं उनकी तबीयत कैसी है इस लॉकडाउन के दौरान बिलखसूस मैं आपको दलेरी देता हूँ अगरचे कोई ऐसा भाई या बहन है जिसको आपने पहले शायद नहीं पूछा एटलीस्ट उसे इस वक्त में पूछें कि तेरे हालात कैसे हैं और तू क्या कर रहा है लिखा है यह के पहले आम खत तीसरे बाप की सतरवीं और अठारहवीं आयत खुदा में खुदा के कलामित से पढ़ रहा हूँ लिखा है जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो क्या करे और वो अपने भाई को मोहताज दे कर रहम करने में दरेक करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर रह सकती है अक्सर का रुपये पैसे माल दौलत और ये जितनी मादी चीज़ें हैं जो बड़े संजीदा रूहानी लोग हैं वो इन बातों के बारे में इनके खिलाफ बात करते हैं हालांकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि ये खुदा की तरफ से नेमत है बरकत है माल होना दौलत होना ये खुदावंत की तरफ से बरकत की बात है लेकिन जो लोग इसे बरकत नहीं जानते उनका तो एक मफहूम ही फ़र्क है और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि किसी दिन फाइनेस के बारे में भी बात करूँ लेकिन आज सुनिएगा ज़रा एक एक बुज़ुर्ग खादिम ने कलाम सुनाते हुए ये बात कही और मेरे जहन के अंदर है उसने कहा अगरचे आप किसी की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि वो खुदा से या अपने भाई से कैसी और कितनी मोहब्बत रखता है आप उसकी गिविंग हैबिट से इसका जायज़ा लगा सकते हैं वो कितना देता है और कैसे देता है इस बात से आप उसका जायज़ा लगा सकते हैं खुदा भी बेदिले लोगों को पसंद नहीं करता मैं ऐसे अगर यूँ कहूँ तो ये गलत ना होगा कि जो लोग बेदिल के साथ टूटे दिल के साथ रुसवा दिल के साथ ए बिल्कुल इंजदा ही लगता है कि मैं किसी हाथ मिलाव लेकिन मुंह मेरा ओ पास और हो और मैं कह रहा हूं हाँ भाई कैसा है तो ठीक है तेरे हाल वाल ये ऐसा ही है और खुदा ऐसे लोगों की कुर्बानियों को पसंद नहीं करता जो टूटे तिश्ना या गलत दिल के साथ खुदा के सामने अपने रुपए और पैसे को लेकर आए चर्च में चंदा दू मैं चर्च के अंदर हदिया दू मैं चर्च के अंदर दायकी दू मैं चर्च के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी ऑफरिंग दू कला मुकदस पता है क्या कहता है कहता है अगरचे तू अपने भाई से जिसे तू अपनी आंखों से देखता है इससे मोहब्बत ना रखे तो उस खुदा से जो, जो अनदेखा है जिसे तूने कभी नहीं देखा और जोर-जोर से नारे लगाए कि खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो तू झूठा है क्योंकि जिसे देखता है उससे मोहब्बत नहीं करता तो अनदेखे खुदा से पूरे दिल से कैसे मोहब्बत कर सकता है फिर बाइबल मक्कद्दस यह भी कहती है अगरचे तू कुर्बानी चढ़ाने के लिए खड़ा हो के ऊपर तूने बकरा रख दिया है कुछ भी रख दिया है और जनाब तेरी कुर्बानी बिल्कुल तैयार है और तुझे याद आ जाए कि तेरा भाई तुझसे नाराज़ है तो कुरबानी को वही छोड़ दे क्योंकि सौ बैलों की कुर्बानी चढ़ाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तेरे और तेरे भाई का एक मोहब्बत में कायम होना खुदा की नज़र में ज्यादा अहम जरूरी और कीमती है तू तो अपने भाई से मिला रहे तो तेरी कुर्बानियां ही कुर्बानियां हैं तू तो अपने भाई से मोहब्बत करे रह तेरी कुर्बानियां ही कुर्बानियां हैं और मैं आप, आपको सच बताऊं खुदावंत का कलाम कहता है कि अगर चे तू अपने भाई को मोहताज देखे तू देखे कि तेरा तेरा भाई जिसे तू गली में गुजरते हुए देखता था जिसे तूने चर्च में अपने साथ इबादत करते देखा वो सारे तेरे भाई बहन है और तू देख रहा है कि वो मोहताज हैं और उनकी मोहताजी को देख कर तू अपनी आँखों को बंद कर ले और अपने हाथ को रोक ले और दरेक करे और तेरे पास हो भी देने के लिए और तू ना दे तो तुझ में खुदा की मोहब्बत नहीं है ये मैं नहीं कह रहा मैं तो खुद मामूली सा इंसान हूँ ये खुदावंद का अजली अबी लाखता कलाम कहता है कि अगरचे तू ऐसा करे कि तू मोहताज भाई को देखकर अपनी आंखें उससे फेर ले तो तुझ में खुदा की मोहब्बत नहीं इसलिए अठारहवीं आयत के अंदर वो इस बात की तम्बी करते हुए लिखते हैं ऐ बच्चों हम कलाम और जुबान ही से नहीं जुबानी कलामी नहीं बातें करते ज़ुबानी कलामी हम नहीं कर रहे जुबानी कलामी नहीं कहना ओ मामा आई लव यू ओ भाई आई लव यू जुबानी कलामी नहीं ऐसे मशहूर होना बल्कि किससे होना है कहता है बल्कि काम वर्क एक्शंस एक्ट कहता है काम और सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत करें दो बातें हैं कलाम कलाम से नहीं बल्कि काम और सच्चाई से विद्यो एक्शंस एंड विद ट्रुथ लव इच अदा एक दूसरे से मोहब्बत करें अपने कामों के ज़रिया भाई को दे कर मोहब्बत का इजहार करें भाई को दे कर बताएं दैट यू आर इम्पोर्टेंट टू मी माई ब्रदर यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी माई सिस्टर यू आर वर्दी टू मी आप मेरे लिए खास अहम और कीमती हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ और फिर क्या लिखा है इस सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत करें बातें करना ज़रूरी है अहम है लफ्ज़ों को कहना ज़रूरी है लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके काम आपके लफ्ज़ों से ज़्यादा बा बुलंद होते हैं आपके काम आपके लफ्ज़ों से ज़्यादा ऊंचे होते हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खाली लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अपने कामों से भी हम एक दूसरे से मोहब्बत करें एक, एक पैदाइश की किताब की एक वाक्य को एक किस्से को सुनाकर मैं आज के प्रोग्राम का इख्ताम करना चाहता हूँ ये बात आप सबको याद है काइन और हाबल की बात काइन और हाबल के बारे में आपको याद है ना कि एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया था क्यों कर दिया था क्योंकि जारी तौर पे तो हो सकता है वो ठीक हो वेल टू डू हो लेकिन उनका उसका दिल अपने भाई से दूर उसके दिल के अंदर अपने भाई के लिए बहुत सारी मनफी बातें की बैठी थी बहुत सारी मनफी बातें इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि मैं इसे आपके लिए पढ़ ही दूं तो ये कितना अच्छा और कितना भला हो जाएगा पैदाइश की किताब का चौथा बाब है और आ, उसकी नामी आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं एक बात बड़ी ख़ास आपको सिखाना चाहता हूं आज के दिन लिखा है तब खुदावन ने कायन से कहा तेरा भाई हाबुल कहाँ है यहाँ पर काइन ने हाबुल का कत्ल कर दिया था वहाँ पर उसने मार दिया था क्योंकि उसका उसका दिल उसके साथ नहीं था वो बल्कि उससे नफरत करने लगा तब नामी आयत के अंदर खुदावन ने उसे पूछा कहता है कि तब खुदावंद ने कायन से कहा कि तेरा भाई हाबुल कहाँ है उसने कहा मुझे मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का मुहाफ़ू हूँ क्या मैं अपने भाई का बॉडीगार्ड हूँ सुना होगा ना जब किसी ने आपसे पूछा होगा भाई वो फला बंदा कहाँ है तो आपने जवाब दिया भाई मैनू की पता मैं कोई वह बॉडीगार्ड लगा मैं कोई ओदा मुहाफिज लगा मैनू की पता वो कितने वे कई दफ़ा हम अपने भाइयों के लिए बहनों के लिए अपनों के लिए ऐसे लफ्ज़ कहते हैं ना मैं कोई ओदा चौधरी लगा जो मैं पता हो कि पंजाबी कहें ज अंग्रेज जड़े ने अपने तरीके ना कहने होंगे और जड़े दूसरे दूसरे लोग ने अपने लेकिन हुंदा एनजीए जी भाई मुझे क्या पता वो का और इसी रवैये के साथ यहाँ पर काइन ने भी खुदा को जवाब दिया कहता है मुझे क्या पता क्या मैं अपने भाई का मुहाफ़ हूँ दसवीं आयत में लिखा है फिर उसने कहा फिर उसने कहा तूने ये क्या किया यानी कि खुदा ने काइन से कहा तूने ये क्या किया तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ है जिसने अपना मुँह पिसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी और ज़मीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा ये खुदा का कलाम कहता है कहता है तेरे भाई का खून मुझे जमीन पर से पुकारता है आज भी भाइयों 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 सुन लो बहनों सुन लो खुदा के बेटे और बेटियों सुन लो खुदा कहता है कि तेरे भाई के अंशु मुझे पुकार रहे हैं जब तू उसे लान तान करता रहा और वो तेरी सुनता रहा जब तू उसके लिए अपने दिल के अंदर गीबत रखता रहा और तूने उसके खिलाफ साजिशें बांधी तो तेरे भाई की मुझे ज़मीन पर से पुकारती हैं खून की जुबान नहीं होती लेकिन खून जरूर पुकारता है आपके आंसुओं की जुबान नहीं है लेकिन आपके आंसू एक बड़ी ललकार और एक बड़ी पुकार है और खुदा कहता है कि तेरे भाई का खून मुझे जमीन पर से पुकार रहा है तूने ये क्या कर दिया तूने अपने भाई को जिसका मैंने तुझे मुहाफिज बनाया था तू कहता है कि मैं उसका मुहाफिज हूं क्या मैं उसका मुहाफिज हूं मैं चाहता हूं कि एक दूसरे की मदद करो खुदा कहता है हमारा खुदा हमसे कहता है मोहब्बत का खुदा कहता है जो खुद कहता है मेरा नाम मोहब्बत है वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत करो मैं चाहता हूं कि एक दूसरे की हिफाजत करो एक दूसरे का बोझ उठाओ क्या हम तो ऐसे नहीं हो गए कि हम खुदा को बैक आंसर करें खुदा के साथ जुबान जुबान लड़ाएं और कहें क्या मैं फलां फलां का मुहाफ़ हूँ क्या मैंने ठेका उठाया है कि जब वो मुश्किल में आए तो मैं उसकी मदद करूं और मेरी चारों जेबें गरम हों और मेरे ज़ुबान से फिर भी ऐसी ही अहमकाना बातें निकलती जाएं मेरी बहन मेरे भाई ज़रा सोचिए सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया का हार्ट डिस्टेंसेस इस दुनिया का प्रॉब्लम है जब आपका और मेरा दिल एक दूसरे से दूर हो जाए मेरी ये दुआ है कि खुदावन मसीही घरानों को रिकनसाइल करें मेरी ये दुआ है कि खुदावन मसीही घरानों को मसीही करेक्टर और मसीही वैल्यूज़ दे हम दुनिया के रवाज पर नहीं कई दफ़ा हमारे रवाज हमारे आड़े आते हैं हाँ जी मुझे पता है ये आते हैं और बिलखसूस साढ़े जके पंजाबियों देते तो हों ऐ करना जे ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ हमारा तर्ज ये है मेरी ये दुआ है कि खुदा ऐसे तमाम तर तर्ज हमारे गानों में से जला कर कर दे किसी तरीके से ये हम में से निकल जाए कोई तो कोई तो आइट हमारी जिंदगी में घर कर जाए और हम कहें कि हमें दुनिया पंजाबी गोइंस या फलां फ्लां कल्चर नहीं हमें क्रिश्चियन कल्चर क्राइस्ट कल्चर बिब्लिकल कल्चर अपने घरों के अंदर चाहिए हमें बिब्कल ट्रेडिशंस हमारे घरों के अंदर चाहिए मेरी ये दुआ है आपके लिए मेरे लिए हम सब के घरानों के लिए खुदावंद हमें तोफ़ीक दे कि हम उसके कलाम की उम्मीद रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें आज के दिन खुदावंद आपको खूब बरकत दे वो आपसे प्यार करता है और सदा करता रहेगा आप भी उससे प्यार करते जाएँ द लॉड ब्लैस यू एंड द लॉड ब्लस आवर डेयर Beautiful country, Pakistan.